पिछले कार्यक्रमों में मैंने आपको कथक का संक्षिप्त इतिहास, तकनीकी बारीकियां, उसकी प्राथमिक शिक्षा और अध्यापन के बारे में बताया। आज के कार्यक्रम में कथक की विशिष्टता, मतलब कथक अन्य नृत्य विधाओं से कैसे अलग है, उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। कथक की प्रस्तुति में कोई भी ऐसा सुनिश्चित किया हुआ नियम नहीं होता है, लेकिन परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का आरंभ हमेशा किसी इष्ट देवी देवता की वंदना से होता है। इसके बाद आती है बारी ताल की, बहुधा तीन ताल। अन्य कला विधियों में नर्तक और नृत्यांगनाओं की विशेषता के अनुसार उन नर्तकों को अलग अलग ताल में बांधा जाता है, परंतु कथक नृत्य में सिर्फ ताल ही महत्वपूर्ण है और इसके अनेक पहलू हैं, जैसे रचनाएं हैं, बंदिशें हैं, तत्कार हैं जो इसे उभारते हैं। वेग से आवेग, मतलब वेग का क्षेत्र होता है विलंबित से अति द्रुत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। पखावज या तबला, ये वाद्य सदा एक जैसे ध्वनित नहीं होते, केवल ठेका ही महत्वपूर्ण है। जब नर्तक के पदन्यास से, तत्कारों से जो लयकारी निकलती है, जो रस उत्पन्न होता है, वही नर्तक के नृत्य कौशल को दर्शाता है। आइए इसे देखें। ताल तीन ताल, उठान, परनामन